मैं हूँ असली प्यार पाकिस्तानी रैपर गाइस। थैंक यू सो मच हमारे रिएक्शन ब्रेस पे इतना क्रेजी रिस्पॉन्स देने के लिए। अगर आप ऑलरेडी मेरे रिएक्शन देखते हैं सो आप लोगों को पता चल गया होगा मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई है लिटरली गाइस, आप लोगों की एंडी सरदार्द के डॉन सॉन्ग पे रिएक्शन करो। मैंने क्योंकि अभी तक मैंने इस आर्टिस्ट को नहीं सुना बट मुझे कहते हैं एंडी सरदार्द के डॉन सॉन्ग पे रिएक्शन करने। मुझे बहुत कमेंट आया है विजय डीके के गानों पे और बहुत सारे गानों पे कमेंट आए कि एंडी सरदार्द एंडी सरदार्द। सो लेट्स सी देखते हैं कैसा आर्टिस्ट है, कैसा गाना है। बॉम्बे का है और विजय डीके के जो एल्बम विजय डीके की आई है उसमें ये बंदा था। उसके बाद मुझे कमेंट्स पे कमेंट्स आने शुरू हो गए बट शुरू करेंगे देखते हैं गाना कैसा है। उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे 5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत प्यार मिल रहा है और स्टूडियो सेटअप भी हमने बिल्ड कर लिया। अब यहाँ पे सारे रिएक्शन होंगे जितने भी फ्यूचर में आएंगे, मजा आएगा, वाइब करेंगे मिलकर। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मेरा म्यूजिक सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस, जाकर सुन सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। बाकी सुनते हैं एंडी सर दैट डोन। Let's go. चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपकी रिक्वेस्ट पे काम हो रहा है। यस सर। ओके से है जहाँ पर कल रात जबरदस्त हंगामा हुआ। बस देखिए समय हो चुका है आपको बड़ी खबर बताने का। बड़ी खबर मुंबई से आपको बता दें, मुंबई के मानकुंड में कल कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया है। ओके गुनेगारी देखी माँ की था गोद में। ओके में दे काट रहे गुनेगारी देखी माँ की था गोद में मुन्ना भाई अपना शूटराना सर की डाल इसको गोनी में हुड में फिर पलटी। मैंने गाना नहीं डाला तो मेरे हुड पर मुन्ना भाई वाला रेफरेंस। ओके गाइस गाना काफी लाइक वाइब करवा रही है, बीट काफी वाइब करवा रही है और एक स्टोरी टेलिंग टाइप हो रही है। और ना मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुझे ना लाइक वोकल थोड़ा सा नीचे है यार, थोड़ा सा नीचे अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है यार। मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ इसलिए। बाकी सुनते हैं, मजा आ रहा है वाइब। ब्रो लिरिकली भरा पड़ा गाना, बहुत खतरनाक। और जो बीट वाइब करवा रही है पीछे, जो साउंड वाइब करवा रहे ना वो अलग जोन में लेके जा रहा है गाइस, बहुत अलग। वीडियो भी बहुत खतरनाक। थैंक यू सो मच गाइस। क्योंकि मैं जिस आर्टिस्ट को सुनता हूँ ना फर्स्ट टाइम, मुझे पसंद आता है तो मैं उस पर जरूर रिएक्शन करता हूँ बाद में यार। मजा आ रहा है, वो बहुत आला। इसका नंबर करे नहीं इधर खुद बना बॉस इनके लौड़े पे चटका दे ब्रो, जो भी बाइक के देख वाकड़े में बज रे ला जो तू डरता नहीं एनसी फिर डाल रे ला क्यों मेरे हुड का चल दर्शन करा दा तब बोल काले ग्रीन करते स्कोर लाइन करने लड़के लोग नोट कर रोल पूरे बंबई में चार दिन का अलग से शोर में तो वाइटनर को लोकल में देने का बोलता भी रहने दे ब्रो मां का दे कॉल मां मेरी टेंशन में जब तक गया था घर पे नहीं। यार वॉइस टेक्सचर कितना सही है बंदे का यार, बहुत आला बहुत आला, लाइक यूनिक टाइप का टेक्सचर। तभी मैं लोगों के बीच ज्यादा रहने का सोचता नहीं, डॉन बोले लोग दहशत में घर से निकलता सलाम डुगे रस्ते पे चौकी से कॉल पहले मैं इडले था डोले की बाद में फिर मांडोली और माँ बोली रुकना नहीं और कट जाएगा सर कभी देगा ये झूठने नहीं इससे भी डरता नहीं और दुनिया के बारे में कभी कुछ सोचता नहीं और मौत लेके निकलता मृत्यु का डर मेरे जिस्म में कभी भी रखता नहीं तो को काट के मैं खा जाए। गाइज ये बीट बहुत बढ़िया, बीट बहुत आला बीट। ये झूठने नहीं मैं किससे भी डरता नहीं और दुनिया के बारे में कभी कुछ सोचता नहीं और मौत लेके निकलता मृत्यु का डर मेरे जिस्म में कभी भी रखता नहीं तो को काट के मैं खा जाएगा मुर्दा में शमशान वासी में तो मादर चोद भूलना नहीं तुला बक्का से सब तो मैं बिना वर्दी मेरे को अकेले दिखने का सोचना नहीं काटेगा मादर चोद देखेगा टुकड़ा नहीं किधर से बॉम्बे से चार कदम पीछे की ये पी के दे गारे लाई ड्यूटी पे गाली दे रहा जैसे मामेन को खड़ा किया बदल रस्ते पे ऐसे अवलदर की गांड मारे बिना मेरे गले से गाना उतरता। ब्रो बॉम्बे को रिप्रेजेंट वाली अभी बात आई है तो मैं बात करने लगा हूँ कि यार मुंबई में क्या खतरनाक आर्टिस्ट हैं यार, और इतने अंडररेटेड टाइप के आर्टिस्ट हैं लाइक एमिवे क्या है। और मैं अभी एंडी सरदर्द को सुन रहा हूँ कि कैसे कैसे यार इतना इतना टैलेंट है ना ब्रो, यार बहुत खतरनाक यार, बहुत सही आर्टिस्ट है यार ये, बहुत लाइक गाना इतना लिरिकली भरा हुआ है ना
यार ये रैपर्स हैं यार खतरनाक वाले, सही वाले रैपर्स जिसको कहते हैं ना, ये वो वाले रैपर्स नहीं है कि यार गाना बना दिया बस, उठा के मुंह उठा के गाना बना दिया, कुछ गाने में लिरिक्स होते नहीं है या कुछ होता है नहीं तो गाना बना देते हैं। ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है गाना और बहुत लाइक पता लग रहा है कि प्रॉपर एक रैपर वाली फीलिंग आ रही है गाने में यार, बहुत उतरता नहीं। मैं बॉम्बे को रिप्रेजेंट करता है, एक बच्चा जो रेंगा देखने को जानता नहीं। मैं चौकी के बाहर पूरी रात बेटा फूटते साथ मेरे नंबर गाड़ी पास कर रहा मैं ना बीड़ी आइटम भी छोड़ के चली गई बोल के एंडी तू साथ मेरे घर रेला दादागिरी मेरे फीलिंग तू समझा नहीं आकर कॉल मां मेरी टेंशन में जब तक गया था यार बीट बहुत आला है का शौक तभी मैं लोगों के बीच ज्यादा रहने का सोचता नहीं डोंट बोले लोग दहशत में घर से निकलता सलाम टू के रास्ते पे चौकी से कॉल पहले मैं इडले दा डोले की बाद में फिर मांडोली डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ए एंडी सेल्टर अच्छा ये वाला साउंड, ये वाला मैं बीट कह रहा था जो विजय डीके ने अपने गाने में यूज किया, ये था ओके लाइक इस टाइप का, लाइक वो कह रहे थे ना कि इंडिया में इस, ये मुंबई में ये उनका कोई है तो उस उधर ये बजता है। यार मुझे एक बात बताओ, ये हम रिएक्शन खत्म कर ले उसके बाद मैं पूछूंगा आप लोगों से। ओके 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 सो गाइस ये था हमारा एंडी सरदर्द के सॉन्ग पे रिएक्शन। बट मुझे ये बताया मैंने जो पूछना था, यह बहुत आला गाना है लिटरली गाइस, गाने के बाद में बात करेंगे हम। बट मैं बात करूँ लाइक ये जिस तरह लाइक ये बंदे आ रहे हैं एंडी सरदर्द के इर्द गिर्द, एंडी सरदर्द लाइक एक गैंगस्टर टाइप की वाइब नहीं होती जैसे संजय दादा टाइप वाला सीन है। और मुझे बताएं कि वाकई एंडी सरदर्द लाइक वहां का डॉन वाला असल वाला लाइक कहते हैं ना गैंगस्टर होता है बंदा, वो वाला सीन है लाइक जैसे विजय डीके बताता है कि हमारे लाइक उधर हुड में के इस तरह का गैंगस्टर शिट बहुत होता है। सो मुझे बताएं एंडी सरदर्द लाइक कहाँ से है और क्या वाकई ये वो लाइक गैंगस्टर वाला सीन है जो भी। बट क्योंकि मुझे गाना बहुत सही लगा, गाने में लाइक लिरिकली जो गाना था ना, गाने में एक वाइब थी, गाना अटैच कर रहा था अपने साथ और बीट इतनी प्यारी थी ना जिसके ऊपर लाइक गाना खूबसूरत लगना ही था। आर्टिस्ट इतना अच्छा खेल गया ना अगर बीट पे तो चार चांद लग जाते हैं बीट को। सो वो ये वो वाला सीन था, मजा आया। थैंक यू सो मच गाइज मुझे रिकमेंड करने के लिए एंडी सरदर्द। बाकी और कोई म्यूजिक मुझे एंडी सरदर्द का रिकमेंड करें बट मैं करूंगा आराम से क्योंकि यार इतने पीछे रिएक्शन ऑलरेडी पड़े हैं ना, इतने कमेंट्स आ रहे हैं यार, मजा आ रहा है, आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं। बस इसी तरह करते रहें, रिएक्शन हम करते रहेंगे बैक टू बैक। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, 10K सब्सक्राइबर्स हमने कंप्लीट करने हैं। मेरा म्यूजिक सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके सुन सकते हैं मेरा म्यूजिक भी और फीडबैक दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले रिएक्शन में, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, पीस, बाय बाय। है कितनी खूबसूरत तू, तू लगे मुझे खड़ी किसी नहर के किनारे और तू है मेरे ही रूबरू। मैं देखूं तुझे या आंखों में मैं गया इनमें डूब, मैं तुझसे दूर जा पाता नहीं अब तू बन गई है रूह। तू हू बहू लगे मुझे मेरी मोहब्बत सी और मुझे लगा था कि होगी मुझे अब मोहब्बत नहीं, पर जब से आई लाइफ में तू हुआ चेंज सब मेरे